हेलो दोस्तों, मैं आपका वर्ल्ड वाइड अफेयर्स चैनल में स्वागत करता हूँ। और अभी हाल में ही एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10 अक्टूबर 2022 की है, 10 अक्टूबर 2022 की है। अभी हुआ क्या है कि रशिया ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 75 मिसाइल से भी ज़्यादा कीव के ऊपर हमला किया है, जिसके अंदर जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, इसको स्किप मत करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा जो कार के डैश कैम से रिकॉर्ड हुई है जब इस मिसाइल का अटैक हुआ है। फर्दर मोर, इसके अलावा मैं आपको इसके अटैक के कारण भी बताऊंगा। तो कृपया बने रहिए वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, 1 से 2 दिन पहले यानी परसों क्रीमिया के ब्रिज जिसका नाम क्रैक है उस पे अटैक हुआ और वो ध्वस्त हो गया। अब रशिया का ऐसा मानना है कि ये जो ब्रिज तोड़ा गया है, ये यूक्रेन के द्वारा तोड़ा गया है, उनके जासूसों और उनके मिलिट्री डिफेंस के द्वारा, लेकिन यूक्रेन ने इसके लिए मना कर दिया है। तो युद्ध का सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का वार तो चल ही रहा था, जैसे अपने लोगों को पता ही है। और दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि क्रीमिया के जो ब्रिज को तोड़ा गया है उसकी वजह रशिया का ये स्वभाव, उग्र स्वभाव निकल के सामने आया है। इसलिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने यह डिसाइड किया है कि यूक्रेन को सबक सिखाया जाए। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे एक दिन के अंदर अंदर 75 मिसाइल से ज़्यादा किसी देश पे अटैक किया हो। और अभी जो आपके सामने वीडियो चल रही है दोस्तों, ये क्रीमिया का ब्रिज के अटैक के टाइम की वीडियो है जो रिकॉर्ड की गई थी और जो मीडिया में आई और जो हम आपको अभी इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, ये ट्रक जा रहा था और अटैक हुआ। ये अटैक बहुत ज़्यादा विनाशकारी था और जो अभी कीव में अटैक हुआ है उसके अंदर 10 लोग मारे गए हैं और 40 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा था, मैं प्रूफ के रूप में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उस वीडियो दिखाने का टाइम आ गया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं, सो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो दो कारण मैंने आपको बता दिए हैं, रशिया यूक्रेन का वार, और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं। की है जिसमें एक व्यक्ति कार में बैठ के किसी काम से जा रहा था और एक कार के डैश कैम से रिकॉर्ड करी गई है। दोस्तों, मैं इस मैटर पे निगाह बना के रखा हुआ हूँ, जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सिर्फ यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव ए नाइस डे।